सवाल नंबर है भाई सेटअप टू वीडियो का, किसने कहा थे करने को, कौन होगा डार्क, बट इंट्रो हो जाए लेकिन शुरू से शुरू करते हैं, बिकॉज प्रॉपर सेटअप टूर की वीडियो कभी आई नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो टाइम था भाई 2018 10th ऑफ अगस्त, पहली वीडियो आती है मेरी। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका। तो भाई ये है वो जगह जहां मैं रहता था और यहां से अपना लाइफ शुरू हुई थी। इस टेबल पे ऐसे बैठे रहते थे और क्या ये लाइट मैंने खुद ही मैनेज किया था, जैसा एक नॉर्मल स्टूडेंट का रूम होता था वैसे ही होता था, सब कुछ मैनेज करके शूट यहाँ किया जाता था। नेक्स्ट सेटअप, लॉकडाउन में घर चला गया था ना, बहुत बड़ा सेटअप था, सब खेत रोड नहर तलैया सब अपना था। तीसरा सेटअप बना अकबरपुर, बहुत कम लोग जानते होंगे, अयोध्या से 60 किलोमीटर दूर, फ्लैट रेंट पे लिया था, काफी सही रेट पे मिल गया था बिकॉज बिग सिटी नहीं थी ना। और जब 8 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे तो ये बंदा आ गया था भाई टीम में मेरे साथ, ये है हर्षित, मिलवाते हैं अभी, यानी कि 8 लाख सब्सक्राइबर तक अकेले ही था। और ये फोर सेटअप जहां पे अब तक आप वीडियो देखते आए हो पिछले 1 साल से, अभी ये खाली खाली दिखे क्योंकि सब कुछ जा चुका है। इसी हॉल में सारी वीडियो शूट हो रही थी और इस रूम को देख के भाई जज मत करना, यहाँ पे सारे स्मार्टफोन जितना कुछ नए डब्बे सब कुछ जो आते हैं यहीं रहते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा अरेंज नहीं करता, तो यहाँ से यहाँ तक फोन वगैरह सब रखे रहते हैं। सैडली यहाँ पे टीवी होती थी, एक ही थी, उसको सेटअप में ले जाना पड़ा, कभी कभी टेस्ट करना पड़ता है कुछ कुछ चीजें टीवी पे। तो ये सारी स्टोरी के बाद चलते हैं नए सेटअप में। ओके, ये है भाई एडिटिंग रूम। और जितना मुझे समझ में आता है सेटअप टूर क्रिएटर्स देखना पसंद करते हैं, जैसे मैं भी देखता हूँ, किसी की भी आ जाती है, और रेगुलर व्यूअर्स देखना पसंद करते हैं, तो उसमें छोटी छोटी चीजें हैं, मैं वो भी शेयर करूंगा मैं क्या यूज कर रहा हूँ। कोशिश किया कि ये सेटअप सबसे अलग हो, एंड डेफिनेटली इंटीरियर डिजाइनर का भी हेल्प लिया था, बिकॉज रिसेंटली 1-2 महीने से यहाँ पर आपने देखा होगा वीडियोज क्वालिटी काफी इंप्रूव करने की कोशिश करी है भाई मैंने। 18 चैनल शुरू हुआ था 19, 20, 21, 22, 4 साल बाद ये सेटअप बना। एडिटिंग मशीन अभी की डेट में याद होगा इसका मैंने वीडियो दिया था आपको, पीसी बिल्ड वाली। ये ना हमारे पास सैमसंग का मॉनिटर है, ये मैंने लिया था भाई बहुत पहले, 4-5 लाख सब्सक्राइबर रहे होंगे, कर मॉनिटर लेने का बड़ा शौक था मुझे साइड से, ये चीजें देख रहे हो आप। एक्चुअली है ये VGA पैनल, परफेक्ट नहीं है एडिटर्स के लिए, लेकिन 21,000 रुपए में इसको मैंने यूज किया पूरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक। ये HP का कीबोर्ड है, 1500 का मिलता है, तो ये बेसिक मैकेनिकल है, ऐसे सस्ते वाला मैकेनिकल फील दे देता है, अच्छा दे देता है बेसिकली। Logitech MX Master 3 ये 9,000 रुपए का लिया था हमने, लेकिन किसी भी नॉर्मल बंदे के लिए रिकमेंडेड नहीं है, सिर्फ एडिटर्स के लिए जो एडिटिंग करते हैं, प्रिसाइज माउस चाहिए होता है। AKG का K72 हमने वीडियो बनाने के लिए ऑर्डर किया था, बट हमें पसंद है एडिटिंग में ये यूज हो रहा है। बाकी यहाँ पर भाई कुछ मेमोरी कार्ड पड़े अलग अलग, ये 4K 120 FPS में काम आता है टफ कार्ड, ये सोनी का कार्ड रीडर, ये इसलिए लेना पड़ा मजबूरी थी क्योंकि ये टफ कार्ड इसी में रीड होता है, अदरवाइज मैं भाई ये बेल्किन का कभी खरीदा था, मैकबुक खरीदा था मजबूरी में लेना पड़ा, ये 7-8 हज़ार का आता है, बट जो स्पीड है ना वो बहुत ही बुरी देता है, क्योंकि उससे ज्यादा अच्छी है 150 रुपए वाली देता है। ये मदरबोर्ड हमने ध्यान नहीं दिया जल्दी में, बिना वाईफाई वाला लगवा दिया था, तो एक वाईफाई, और यहाँ पर दो आप देख रहे हो सैमसंग की T7 SSD है, और भाई ये वाला हर्षित का सेटअप है। भाई मैं माइक लगाते कैसे मुझे ये भी नहीं पता। मैं भाई यूज करता हूँ ये LG का मॉनिटर है, वो कलर वाला जो आता नहीं, मतलब जो कलर एक्यूरेट होता है बेसिकली वो वाला ये, और ये है लैपटॉप Asus का, काफ़ी पावरफुल है इसमें, 32 GB रैम वगैरह, Ryzen का फ्लैगशिप प्रोसेसर है बेसिकली, इसकी वीडियो भी बनाई थी हमने। हर्षित इतना चालू है, जिस दिन ये मॉनिटर मैंने लिया था LG का, आते ही कब्जा मार लिया, ऐसे ऊपर नीचे भी हो जाता है, इवन ऐसे घूम भी जाता है, और इसमें सारे ऑप्शन दे रखे, बट भाई इसमें जो साउंड है ना, मतलब स्पीकर है, मतलब इससे बुरा स्पीकर ही नहीं हो सकता, बट ठीक है कलर वगैरह के लिए चला लेंगे। फोम है यहाँ पे, अगर हम चाहें तो कुछ लगा भी सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग कुछ और ही लिखा था, और साथ में ये टेबल खाली रखता है, यहाँ पे वैसे गिम्बल रखा हुआ है। ये है द फ्रेम सैमसंग की टीवी 55 इंच, ये मैंने खुद ही खरीदा था, ऑलमोस्ट सारी 99% चीजें खरीदी हैं, ये सब गैजेट सीरीज वाले हैं। ये एलेक्सा रखा हुआ है, एक बार स्पॉन्सर्ड वीडियो किया था हमने एलेक्सा का, तो वीडियो आपके पास चला गया और ये एलेक्सा हमारे पास रह गया, कभी कभी गाने सुनते रहते हैं। इन सब में स्टोरेज डिपार्टमेंट है पूरा, यहाँ पर कैमरा रखा हुआ है सोनी A7S3, हमारे पास 2 कैमरे सेम है, आता है हमारा। रूम बहुत बड़ा नहीं है, बट हाँ हमारा काम बढ़िया हो जाता है। एक हाइट एडजस्टेबल टेबल है, और ये हमने काफी सारे लगा रखे हैं, अगर जब भी जरूरत पड़े इसको नीचे कर सकते हैं ऊपर कर सकते हैं, इसमें कैमरा लाइट कुछ भी माउंट हो जाती है, और इसको पूरा आप ऐसे मतलब पूरे रूम में कहीं भी ऐसे घुमा सकते हैं, हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। ये वाली है भाई Godox SL150, एक और सेम लाइट है, बट इसको हमने ना उस पर नहीं लगाया, इसको हमने मैनुअल रखा है। कई बार क्या होता है मेरे वीडियो देखते हो ना, मेरा कुछ फिक्स नहीं है, हम लोग एक बैकग्राउंड तो मैं यूज ही नहीं करता, मैंने इसको जान के मैनुअल रखा हुआ है, ताकि इसको उठा के मुझे जहां जरूरत पड़े वहां रख सकूं। ये हमारा सोनी A7C गिर गया था,
किसी दिन दिल्ली चक्कर लगेगा वहाँ ठीक कराऊंगा, बट मैंने इसको थोड़ा जुगाड़ से सही कर दिया बिकॉज फिक्स रहता है तो इसको जहाँ मुझे जरूरत पड़ती है टेबल ऊपर नीचे जैसे भी है तो यहाँ पे इतना नीचे आराम से यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइट हो रहा है हमारे पास अगर ये भी ऊपर नीचे करके जहाँ हमें मतलब लाइट देनी होती है कम ज़्यादा। और ये कोने में एक जगह खाली पड़ी थी तो हमने इसको बना दिया भाई अपना अनबॉक्सिंग वाला पार्ट। यहाँ पे जैसे एक कलर का ये रखा हुआ है अगर टेबल पे चेंज करना हो, जैसे ऑरेंज है, ये येलो है, वाइट है, एक हमारे पास ये है। तो क्या होता है ना लाइट ऊपर जाती है तो नीचे शेडो आता है, तो एक लाइट हमने इधर से लगा दिया जो शेडो खत्म कर देता है। और ये गोडोक्स की लाइट है, ऐसे ऐसे करके इधर भी जलता है, ये इधर ग्लो करते हैं लाल पीला, ऐसे वार्म और कूल कर सकते हैं और इसको ऐसे यहाँ से निकाल भी सकते हैं। भाई लाइटें मैंने सारी गोडोक्स यूज़ करी हैं बट ये वाले गोडोक्स डिज़ाइन है कितने मतलब, अगर मुझे लाइट को ज़्यादा नहीं फैलाना तो इसको इधर तो घुमा सकते हैं, इधर वाली लाइट को मुझे करना हो तो ये इधर आते ही नहीं है। तो इस रूम में भाई एक कॉर्नर ये हो गया, एक वॉल ये है जिसपे डिज़ाइन बनी हुई है, गैजेट वाली वीडियो में देखा होगा अभी उधर भी चलते हैं तो ये वाला बैकग्राउंड भी हम लोग थोड़ा यूज़ कर लेते हैं। एक तरफ हमारा एकदम ये मिनिमल सा लुक है ग्रे अकोस्टिक फॉर्म, इस पर अगर आप देख रहे हो ना ये सब लगा हुआ है, ये सब ना ऐसे निकल जाता है तो कहीं भी अगर लगाना ऐसे लगा के इसके ऊपर कुछ रख सकते हैं अगर जुड़ तो, समटाइम्स कुछ ऐसा दिखने लग जाता है या फिर ऐसा दिखने लग जाता है। एक्चुअली यहाँ से आ रहा था सीक्रेट, इनको भी सारे कलर कंट्रोल हो जाते हैं। और ये हमारी फोर्थ साइड जो आपको एकदम वाइट दिखेगी जब मिनिमल लुक चाहिए हमें तब के लिए यूज होता है, या फिर हम कुछ ऐसे करके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। दो कलर अभी हमें और लगाने हैं तो बेसिकली ये ऐसे रोटेट हो जाता है प्लेन प्लेन। और अभी ये मेन बोर्ड था तो हमने क्या किया, हमने ये किया। एंड फाइनली ये वाला रूम है बट एक काम करते हैं उधर से आते हैं, उसमें एंट्री यहाँ से होती है और पूरा अभी उधर का पार्ट दिखाऊंगा। ये वाला जो रूम है इसको बहुत अलग तरीके से डिजाइन किया गया है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ से आगे जाके आधे में एकदम से चेंज हो जाता है। इधर वाला पार्ट है कि फॉर एग्जांपल आप बैठ सकते हैं या फिर कई बार इन केस अगर कोई आता है या इंटरव्यू हो गया छोटा मोटा या कुछ भी प्लान करना हुआ ऐसा, सो ये वाला पार्ट है। ये ज्ञान थेरेपी जिसको मैंने ऐसे खुद ही पर्सनली यूट्यूब लगा के डिजाइन किया था ये वाला है बोलना। तो उसके बाद ये जैसे यहाँ पे खत्म होता है एक पार्टीशन है, उसके बाद ये वाला पार्ट शुरू हो जाता है अगर आप देखोगे जहाँ पे मैं अपना काम करता हूँ एडिटिंग के अलावा जो काम होते हैं। यहाँ भी ब्लू कलर है, वैसे कलर चेंज कर सकते हैं बट मुझे ये अच्छा लगता है। और ऊपर ये हमने थोड़ा कलरफुल ऑरेंज का कॉम्बिनेशन येलो कॉम्बिनेशन इनको स्लाइड कर सकते हैं इधर उधर। यहाँ हमने पूरा स्मूथनेस रखी है 120 हर्ट्ज पे, इसको हम स्लाइड कर सकते हैं बहुत ही स्वीटली प्यार से। ओहो जिटर आ गया, शूट करना हो मुझे तो हम इसको पूरा ओपन कर देते हैं। और जो पुराने व्यूअर जानते होंगे भाई ये मेरा जेफ्रस G14 है जो मैंने 2020 में खरीदा था, ये वही वाला लैपटॉप को मैंने मॉनिटर से कनेक्ट किया हुआ है तो ये भी HP का ही है। मुझे व्हाइट लेना था बेसिकली यही वाला मिला, स्पेशल नहीं है बट मेरे काम के लिए बहुत बढ़िया है। ये दूसरा मॉनिटर जो हमने बाय किया था भाई LG का, ये 35 इंच का कर्व मॉनिटर अल्ट्रा वाइड है, मल्टीटास्किंग एक ही मॉनिटर में हो जाता है इजिली, डिस्प्ले अच्छी IPS है, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये हमने नहीं खरीदा सही बताऊं तो, ये स्काईविक करके एक ब्रांड था उसने हमें भेजा था भाई बहुत ही पहले, बस ये छोटा सा ये रखा हुआ हमने। एक ये स्पीकर है, ये रिसेंटली मैंने एक्सपीरियंस के लिए बाय किया था, वीडियो भी दिया था। और एक लास्ट में ये हेडफोन है सोनी का XM4, पर अभी के डेट में इतना ज्यादा मैं इसको यूज नहीं कर पा रहा हूँ रियल लाइफ में। और यहाँ पे वही लगा हुआ है जस्ट एंट्री पे, एक पता लगे कि हाँ ये हमारा जो गिफ्ट आपकी वजह से मिला है यूट्यूब की तरफ से डायमंड प्ले बटन, सॉरी भावना में चलाया गया मैं, माय मिस्टेक दोस्तों। तो ये है गोल्डन प्ले बटन, जस्ट इधर लगा हुआ है सिल्वर प्ले बटन, इसको मैंने ऐसे लगाया हुआ है कि ये मेरे जस्ट सामने रहे। और ये दो टेबल का कॉन्सेप्ट पता क्या है, देखो बहुत सिंपल है, यहाँ मैं अपना नॉर्मल काम कर सकता हूँ या कुछ भी है जैसा भी है, जब मुझे PC पे काम करना हो यहाँ से जस्ट घूम जाओ। एंड यस ये वाला जो टेबल है हमारा, ये वाले की भी हाइट को हम लोग मतलब मैनेज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर कई बार लॉन्ग टाइम काम करना हो तो आप खड़े होकर भी काम कर सकते हो। ये स्टोर रूम है, इसमें थोड़े बहुत गत्ते वगैरह पड़े हैं। और यहाँ पे अगर आप ना इस वाले पार्ट को देखोगे, ये वाला पार्ट क्यों बना हुआ है, इसके पीछे भी जो स्मार्ट लाइट नहीं आती वो लगा हुआ है, तो रेड ब्लू ग्रीन जैसा भी कलर करते हल्का हल्का वो दिखता है। एक्चुअली ये किचन पार्ट था जब हमने लिया था, तो अब इसको कैसे बैलेंस किया जाए, तो ये वाला डोर लगा है, ये 144 हर्ट्ज पे है, इसमें कोई जिटर नहीं है, ये iOS वाला है, बस एनिमेशन थोड़े स्लो है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है भाई, कपड़े टांगने के लिए कुछ भी प्रॉपर नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे हम लोग टेम्परेरी में रख देता हूँ कई बार जल्दी जल्दी में। मैं बिल्कुल बहुत ही आसपास रहता हूँ, बिल्कुल इतना पास रहता हूँ कि ऐसा लगता है कि सेटअप घर में ही है। और ये बाहुबली स्टैंड है भाई, हमने लिया था, इस पे कपड़े फैलाते हैं ऐसी बात नहीं, ओहो बाहुबली कैसा है। यहाँ पे जो है चाय बनाना हो या फिर कुछ बेसिक काम सारे होते हैं, यहाँ पे हमने कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रखा,
लाइक कॉफी मेकर पसंद नहीं है बिकॉज बहुत ज्यादा वो सब हमें, नहीं तो चाय ज्यादा पीते हैं भाई। और ये वाला पार्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आराम करने के लिए बना हुआ, ना बिल्कुल भी नहीं, इसको हम लोग शूट में यूज करते हैं भाई। मतलब यहाँ पे हर चीज को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी बाहर आ सके। एंड फाइनली ये वाले रूम के जो बाहर का सारा पार्ट है इसको मिनी गार्डन टाइप बनाया हमने। जैसे यहाँ आप देख रहे हो प्लांट है, समटाइम्स ये वाला बैकग्राउंड में हम लोग यूज करते हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है वीडियो के। यहाँ भी ऐसे काफी सारे प्लांट लगे हुए हैं क्योंकि मुझे थोड़ा पसंद है, मैं हूँ ही ऐसा, आप मेरे वीडियो को देखते हो ना, आउटडोर में शूट करता रहता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे नेचर मतलब आई जस्ट लव। जैसे ये वाला पार्ट है जहाँ पे बेसिकली बनाया गया था कि अगर हवा खानी हो या कभी बैठना हो, सिर्फ इतना सा पार्ट पूरे सेटअप का वो पार्ट है जो हम एक तरीके से प्रोडक्टिविटी में कम यूज होता है। सिर्फ इस पार्ट को आप कह सकते हो कि अगर भाई रिलैक्स करना हो थोड़ा सा, जो कि कभी टाइम नहीं मिलता, ट्रस्ट मी हम लोग एक दो बार बैठे होंगे 2 महीने में। तो ये था भाई सेटअप टूर की वीडियो जो आप में से काफी सारे लोग कह रहे थे डेफिनेटली जब से आपने देखा कि हाँ भाई बैकग्राउंड चेंज वगैरह हुआ है। और आप सभी को भाई थैंक यू, सारा क्रेडिट आपको जाता है बिकॉज आप लोगों की वजह से यहाँ धीरे धीरे पहुंचे और उसके बाद डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं। और अगर आप एक क्रिएटर हैं तो मैं इतना ही कहूंगा जो सब कहते हैं और वो सच भी है कि आपको इन वीडियोस से आप आइडिया ले सकते हैं। मुझे भी 4 साल लगे इस सेटअप को क्रिएट करने में, दैट्स व्हाई मैंने शुरू से दिखाई पूरी वीडियो, ताकि आप इसको मोटिवेशन तरीके से देखें, ना कि ये सोचें कि हाँ भाई ऐसा सेटअप चाहिए, बना लिया पता लगे। कंटेंट पे काम करना सबसे पहले जरूरी है, वो करते जाइए फिर डेफिनेटली आप अर्निंग भी करेंगे, वो पैसा अब आपके ऊपर है, कितना उड़ाते हैं कितना सेटअप पे लगाते हैं वो सब आपकी पर्सनल लाइफ आप जाने। सो दैट्स इट, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर। कैमरा ऐसे करते हैं बंद कई लोग, मैं ये आज तक नहीं सीख पाया।